ठीक है सीता, यदि तुम्हें मृग की इच्छा है इसकी खाल की, तो अवश्य मैं मृगा मारने के लिए जा रहा हूँ। भैया लक्ष्मण कहे प्रभु, ये वन है, वन में निशाचर आदि सभी भ्रमण किया करते हैं, इसलिए सीता की अच्छी प्रकार से देखभाल करना। जो मैं मृगा मारने जा रहा हूँ, जो आज्ञा प्रभु। सुन आपके भाई का आवाज है, माता भ्रमण विलास सृष्टि हो सपना संकट परे किशोर। हे माता, आपको यह संदेह है, जिस हृदय में हजारों सूर्य देव जिस हृदय में विराजमान हो, उन्हें संकट कहां सकता है? भैया ऐसी कोई बात नहीं है माँ, भैया तो कोई संकट नहीं आ पाएगा। सौंप गए महिला गोपाल था कि जो तक जाओ भैया, हमारे कोई कष्ट में नहीं है माँ, ये किसी राक्षस की योजना है जो कि वो बहकार है, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। हे देवर, तुम मेरी चिंता न करो, तुम जाओ, मेरी ये आज्ञा है कि तुम वहीं पर जाओ जहाँ पर तुम्हारे भ्राता श्री गए हुए हैं। जब आप हमें विवश कर रही हैं, तो भैया की आज्ञा का भले ही उल्लंघन हो माँ, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन ये लक्ष्मण नहीं करेगा। तुम ही मेरी इस धर्म नाम के अब हे सूर्य देव मल्ला। Mama.
अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाए। यदि आपकी आज्ञा है तो रघुवर की आज्ञा भले उल्लंघन हो जाए, परंतु हे मैया जब आप हमें विवश कर रही हैं तो माता की लाज मैं जरूर रखूंगा। मां भले ही हमें ये संसार स्वार्थी कहे, परंतु आप आपकी मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। परंतु हे मैया मैं एक शब्द कहते जा रहा हूं, उसे ध्यान से आप सुनना। ये रेखा मैं आपको इस रेखा के द्वारा मैंने आपको ये पूरा घर ही बांध दिया है, ये आश्रम लक्ष्मण के इस रेखा से बंधा हुआ है मैया। यदि कोई निशाचर इस रेखा के अंदर आने का यदि प्रयत्न करेगा तो मैया वह तत्काल भस्म हो जाएगा। परंतु हे मां आपसे यही याचना यही प्रार्थना है कि आप इस रेखा के बाहर न जाना मैया, यही देवर के लाज रखना मां कि आप इसी रेखा के अंदर रहना। सूरी कुटिया हो गई है, अब चलता हूं कुटी के अंदर और सिनारी का हरण करूंगा। बस आपका कुटी देखा, मैंने धीरे से इधर कुटी की ओर चलाया। देवी अगर तेरे कुटी में जो कुछ हो बाबा को अर्पण कर दे, क्योंकि बाबा भूख और प्यास से तड़प रहा है। हे देवी कि मैं हूँ अवधे पुरी का पुजारी, इधर से देखता हूं। लो बाबा, बाबा समझ गया, बेकार करती हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। देखो देखो तुम्हारा पति एक माया मृग के पीछे दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है और वह मृग तुम्हारे पति को घायल कर दिया है, वह मरा अवस्था में पड़ चुका है। देवी मैं तुझे सब दे दूंगा, अन्यथा अगर तुझे देना है तो चल इससे कुटी के बाहर आजा, आजा देवी। नहीं नहीं बाबा, ये मेरी देवर की रेखा है, मैं इस रेखे की मर्यादा को उल्लंघन करके नहीं आ सकती, मुझे आप क्षमा करना। देवी मैं तुझे पहले ही बता दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है तुम्हें नहीं मालूम, मैं त्रिकालदर्शी हूँ।
त्रिकालवर्षी, अगर तूने मुझे भिक्षा नहीं दिया तुझे आवा तुम्हारे कुटी पर अपना प्राण त्याग करके। स्वामीनाथ अगर इधर मैं जाती हूँ तो देवर की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, और उधर अगर मैं इसके होना। तुम तो अपने स्वामी को बहका दिया सुंदरी, बहुत बड़ी भूल किया। अगर सोने की लालसा हो तो चलो तुम्हें मैं लंका लेकर रहा हूँ। मेरा लंका नगरी सोने से जड़ा हुआ। रे दूसरी सड़े तवरदार स्वामी मेरे सुंदर है। अगर सोने की लालसा है तो तुम लंका चलो, तुम्हें सर से लेकर पांव तक सोना से सजा दूंगा। परंतु सुंदर है मैंने प्रतिज्ञा किया था स्वयंवर भूमि में सीते 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 एक बार लंका दिखाऊंगा तुझे। आज वह प्रतिज्ञा अशुभ सम्राट लंका अधिपति का पूर्ण हुआ सुंदरी।